हम लोग बात करते हैं अभी। नेक्स्ट है आप लोगों के में संपूरक जी। जो कि प्रभावी होती है, जो कि प्रभावी होती है तथा दो भिन्न भिन्न या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तथा दो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। देखो मैंने दो अलग अलग गुणसूत्र बनाए थे, उन पर अलग अलग जीन्स बनाए हुए नहीं, ठीक है ना। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तथा एक ही लक्षण उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार क्रिया करते हैं कि इस प्रकार क्रिया करते हैं कि दोनों प्रभावी जीन्स में से कोई भी अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि दूसरी जीन उपस्थित न हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो बैटसन व कुंडेल ने इसका प्रतिपादन किया था। इस पर भी रिसर्च किसने की थी? बैटसन व कुंडेल। तो जब हम लोग बात करें अपने संपूरक जीन के बारे में तो जनरली जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है, पीरियड 2 जनरेशन की, तो उस दौरान बनने वाला जो हमारे पास संतति होती है उसका रेशियो कितना होता है? द्वितीय संतति पीढ़ी में क्या होता है रेशियो? हां जी,
वो आपका द्वितीय स्वर होता है, एक्विजिनरेशन में होता है। नौ तीन तीन देखो F1 में जब आप लोग करते हैं तब उस बात क्या होता है आप लोगों का 1:2, 2:1 जो आपका जीन की बात है जीनोटाइप है उसका, और फिनोटाइप की बात करते हैं तो 3:1 आता है ठीक। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं द्वितीय उसकी ठीक है। तो अभी बनवाया था आप लोगों को ठीक, दिखाओ जरा चार्ट अपने में देखो तो यार देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली जनरेशन जो थी वॉलनट की ठीक है, तो उसमें जो बनेगी वो फर्स्ट जनरेशन की आपकी, तो हमने जो निकाला था वो हो गई सेकंड जनरेशन, फेलियर टू जनरेशन हो गई। तो उसमें रेशो कितना था 9:3:3:6 तो इसी चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि F2 जनरेशन में आपका फिनोटाइप क्या होता है 9:3:2:1 ठीक है, उनका जीनोटाइप अलग होता है ठीक है। यदि आप बात करें संपूर्ण जीन की तो उसमें बनने वाला जो रेशियो होगा जो अनुपात होता है वो होगा आपका 9:7 ठीक है, वरना क्या होता था आप लोगों का 9:6:8 लगाती है समझ में आया। तो इस तरह से बनने वाला जो F2 जनरेशन में है अनुपात कितना होगा 9:7 ठीक है। चलिए लिखिए इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। बना लिया बनाओ सब जानते हैं। ये भी किसने दिया था आपका बैट्समैन वर हमने ठीक है हो गया है। क्या चीज होते हैं क्या होते हैं गैमेट्स या युग्म बताओ। देखो क्लास यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने संपूर्णता के बारे में ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के आप जीन्स देख रहे हैं। एक तो है सी सी ठीक है, सी मतलब है कलर। यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्लावर के लिए जो फूल होते हैं ना उनका रंग जो है वो कैसा है सफेद कलर के, मतलब इनका फीनोटाइप तो सेम है लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है। जो इस सफेद रंग के फूल में उपस्थित होते हैं वर्णक, कभी कभी तो ये वर्णक खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं मतलब प्रकट कर पाते हैं, कभी कभी खुद को एक्सप्रेस प्रकट नहीं कर पाते ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने ये फिनोटाइप मतलब उसके लक्षण प्रारूप तो ये सेम है, देखने में तो सेम है व्हाइट कलर के ही है, लेकिन जीन्स का पैटर्न जो है जीनों का सब कुछ वो अलग अलग है, जीनोटाइपिकली डिफरेंट है। तो इस दौरान अगर
वाले व्हाइट फॉर्म का देखें तो हमारे पास क्या है, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। समझना इसका मतलब है कि सफेद कलर के तो है प्रभावी है, ये वाला सफेद रंग के साथ थोड़ा सा प्रभावी है, अपना प्रभाव ज्यादा प्रकट कर सकता है, लेकिन इसमें वर्णक जो है ठीक, वर्णक मतलब पिगमेंट ठीक, वो आपके पहले वाले व्हाइट कलर के फ्लावर में कैसे अप्रभावी है, जबकि इसमें आपके प्रभावी ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम दूसरे वाले श्वेत पुष्प में देखेंगे तो उसका कैसा है आपका तीनों टाइप, स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। समझ में आया, जब आप इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो भाई इसके आप कैंडिडेट देखेंगे या दोनों देखेंगे क्या बनेंगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल। समझ में आया, नेक्स्ट में स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल। समझ में आया, युग्मक निर्माण तो समझ में आया ठीक। इन दोनों में क्रॉस कराते हैं तो बनेगा हमारा हाइब्रिड ठीक, मतलब कि ये दोनों ही प्रभावी थे मगर ये दोनों जब साथ में लक्षण लेकर आए हैं तब उस वक्त आपका जो पिगमेंट था वर्णक जो था वो खुद को एक्सप्रेस कर पाया प्रकट कर पाया, तो उस दौरान आपका जो नई F1 जनरेशन आएगी मतलब प्रथम संतति पीढ़ी वो किस रंग की आएगी, थोड़ी सी पर्पल मतलब गुलाबी रंग की आएगी ठीक है ना, कि पर्पल को भी हम लोग जनरली बैंगनी ना मानते हुए थोड़ा सा गुलाबी लेके चलते हैं ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया ठीक, अब चूंकि ये हाइब्रिड है क्योंकि इसे पिगमेंट वर्णक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया जो कि आपके यहाँ पर उपस्थित था ठीक है, यहाँ पर श्वेत रंग थोड़ा सा अप्रभावी है ठीक है, वर्णक यहाँ पर प्रभावी है ठीक। तो जब ये आपका क्रॉस होता है तो बनने वाला हमारा फूल थोड़ा सा पिंक कलर में देखने को मिलेगा, हल्का सा पर्पल है। समझ में आया क्लियर ठीक। अब हमारे पास जो जीनो टाइप का आएगा जब देखो पेरेंट्स थे जनक थे ठीक, उनसे आपकी फर्स्ट जनरेशन लक्षण प्ररूप तो अलग थी ही थी ठीक है, जीनोटिपिकली भी वो अलग है ठीक है ना, वो ना तो देखने में सेम है और ना ही उनके जीनों का प्ररूप सेम है, सब कुछ अलग है। अब जब आप इसका वो देखते हैं क्या कहते हैं गैमीट बनाएंगे युग्मक बनाएंगे तो क्या आएंगे एज यूजुअल आएगा कि नहीं आएगा, तो अब देखिए यहाँ पर चार है हम क्या बनाएंगे इसका सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, सेल्फ क्रॉस मतलब इनका इन्हीं से आप क्रॉस कर ठीक है। समझ में आया, जब हमने क्या किया इस फूल को हमने मादा के और नर के दोनों के एक यूज में लेकर आए और आपस में ही क्रॉस करा दिया संतुलन करा दिया, तब हमारे पास जो रेशो आएगा F2 जनरेशन आएगा तो उस वक्त हमारा 9:3:1 की जगह 9:7 आएगा ठीक है, मतलब 9:7। समझ में आया, तो चलिए काम कीजिएगा क्लास, या आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को घर से बना के लेकर आना है, आप चाहे तो चेकबोर्ड बना के लेकर आए बाकी की जो चीज रह जाएगी वो यहाँ लगा ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी